नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। जिले के सिमरी थाना अंतर्गत छोटका राजपुर गांव के रहने वाले राजेश कुमार सिंह को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने पति की रिहाई के लिए पत्नी सुनीता सिंह ने डीएम से मिलकर गुहार लगाई है। हालांकि मामला दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ के प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। मीडिया को अपना दर्द सुनाते हुए उनकी पत्नी सुनीता ने बताया, 28 फरवरी 2022 को वे अपने गांव लौट रहे थे। सऊदीया में वे काम करते हैं। वहां से जब वे दुबई के आबू धाबी एयरपोर्ट के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। फ़ोन पर पति ने ही मुझे इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया किसी ने उनके पासपोर्ट के कोड को कॉपी करके दूसरा पासपोर्ट बना लिया है। मेरे ही नाम से किसी ने दुबई की मार्बल कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है, जिस सिलसिले में चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ है। हालांकि 4 साल तक लगातार सऊदीया में रहने वाले राजेश को यह पता भी नहीं था कि उनके नाम पर इतना बड़ा खेल हो चुका है। सुनीता बताती हैं, जब वे अपने यहाँ 2018 से पहले कुछ दिन के लिए गांव आए थे, तब उनका पासपोर्ट चोरी हो गया था। अपने सिमरी थाने में उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसी FIR की कॉपी पर उनका दूसरा पासपोर्ट बना। शायद किसी ने उसी का लाभ उठाकर इतना बड़ा घालमेल किया है। मेरे पति निर्दोष है। फिलहाल आप सुनीता की बातें सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। जो बंधक में अभी दुबई में है, उनका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। आप उनका कौन है? पत्नी। अच्छा, आप कितने दिनों से जिलाधिकारी के संज्ञान में डाल चुकी हैं एवं सुना नहीं जा रहा है? हम तो एक महीने से ऊपर हो गया उनको डाले हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सुनीता के इस वीडियो के साथ जो आवेदन मीडिया को भेजे गए हैं, उसमें दिखाया गया है जिलाधिकारी अमन समीर, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन्हें वह आवेदन 8 अप्रैल को दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी इस मामले में कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है। राजेश का गांव जिला मुख्यालय से बहुत दूर सिमरी इलाके के दियरा क्षेत्र में पड़ता है। उनकी पत्नी ने अपने किसी परिचित से जो वीडियो बनाकर भेजा है, उसमें सारी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन बातचीत में यह पता चला कि उनके पति ने यह बताया है किसी दूसरे व्यक्ति ने चेक बाउंस के मामले में उन्हें फंसा रखा है, जबकि वे अपने कार्यकाल के दौरान दुबई गए भी नहीं। अब इस महिला को इंसाफ का इंतज़ार है। हम भी इसके लिए दुआएँ करते हैं। राजेश की तरह न जाने कितने बक्सर के लोग सऊदीया, दुबई या अन्य अरब गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं। अब वे भी इस खबर को अगर देख रहे हैं तो सजग हो जाएं, शायद सावधान हो जाएं, क्योंकि पासपोर्ट भी खतरे की घंटी बजा सकता है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।